बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं गुलफाम अली हुसैनी और आप देख रहे हैं एक्यू टीवी। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि मैं तालिबे इल्म हूं इल्मुल हरफ व अदद का और इल्म जफर का। तो जब मैंने पाक मकाम नजफ के अदाद देखे और हरफ देखे तो नून जीम और फे नजफ, यानी नून के 50, जीम के 3 और फे के 80। यानी नून 14वां हरफ है, नून हरफ नूर है और नून से ही नजफ है। और आपने देखा तीनों हरूफ नुक्ते वाले हैं, नजफ में 3 हरूफ तीनों नुक्ते वाले, नून जीम और फे। तो नाज़रीन इकराम, इसके अदाद हैं नून के 50 और जीम के 3 और फे के 80। 133 अदद है नजफ का। ये 133 अदद तो इसमें अब्बास का अदद है, यानी ऐन के 70, बे के 2, अलिफ का 1 और सीन के 60, यानी अब्बास के अदद 133 और नजफ के अदद 133। तो मैंने इस पर ना एक कथा कहा और ये मैंने अमल भी किया। जब भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल में ज़ियारात के लिए जाता हूँ अल्लाह पाक की दी हुई तौफीक से, तो मैं वहाँ भी लोगों को ये मशवरा देता हूँ। आप ज़ायरीन के लिए भी ये बहुत बड़ा अमल है। आपकी कोई ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, लाख जतन किए, लाख अमलियात किए, दवाएं करवाई और आपका जो मकसद है वो पूरा नहीं हुआ, तो आज मैं बहुत बड़ा अमल उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो करबला इराक जा रहे हैं ज़ियारात के लिए, या मेरा पैगाम है उन काफिला सलारों के लिए जो अपने काफ़िले को लेकर जा रहे हैं। तो वो अपने ज़ायरीन को, अपने काफ़िले वालों को ये ज़रूर कहें कि वो ये अमल ज़रूर करें कि मैंने कहा है कि इस्लाए दीन अल्लाह का एहसास पढ़, क्योंकि इस्ला के अदद 130 हैं, दीन अल्लाह के 130 हैं और एहसास के अदद 130 हैं। यानी इस्लाए दीन अल्लाह का एहसास पढ़, असेब ज़दा पर सूरा नास पढ़, असेब ज़दा पर सूरा नास पढ़, दवाओं की कबूलियत के लिए गुलफाम नजफ में मजलिस अब्बास पढ़।